तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इंग्लिश को बंगाली में और बंगाली को इंग्लिश में या कोई भी और दूसरे लैंग्वेज को कोई दूसरे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और आपको मैं आज प्रॉपरली सिखा दूंगा कि आप कैसे दूसरे लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और दोस्तों और दूसरा कोई भी ऐप या कोई मैं टेक्नोलॉजी से बहुत आपको अपडेट देता हूँ तो दोस्तों प्लीज़। तो दोस्तों हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और हम चलते हैं हमारे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कोई पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर। तो चलो दोस्तों मेरा पासवर्ड है तो प्ले स्टोर पर जाएंगे दोस्तों पहले। और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे गूगल ट्रांसलेट GOOGLE गूगल ट्रांसलेट। तो देखिए दोस्तों ऊपर ये लिखा हुआ है ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों देखिए आपको ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा गूगल ट्रांसलेट। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो दोस्तों चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप। तो मेरा ट्रांसलेटर ये रहा दोस्तों मेरा ट्रांसलेटर। तो दोस्तों इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मैं इसको दिखाता हूँ। और दोस्तों इसको इसका साइनिंग प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है तो आप इजी कर लेंगे। जीमेल से सिर्फ लॉगिन करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। तो मैं इसे दिखाता हूँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों ऊपर देखिए लिखा है दोस्तों एक कैमरा और कन्वर्सेशन लिखा हुआ है। और नीचे देखिए मैंने कितने ट्रांसलेटर ट्रांसलेट किए हैं तो देख सकते हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैंने कितने ट्रांसलेट किए हैं इससे। तो दोस्तों मुझे बहुत ट्रांसलेट का ज़रूरत पड़ता है तो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों आप बोल के करना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कन्वर्सेशन में यहाँ पर लिखा है नीचे देखिए लिखा है जो बंगाली लिखा है उस माइक पे आप बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बंगाली लिखा है तो मैं बंगाली को चेंज कर सकता हूँ तो मैं बंगाली में क्लिक करूँगा। तो दोस्तों बंगाली में क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी तो बहुत लैंग्वेज है। नीचे जाएंगे दोस्तों बहुत लैंग्वेज है तो आप नीचे जा सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं कितनी लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज है मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, इंग्लिश हिंदी बंगाली ये मेरा लैंग्वेज है मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं आज इंग्लिश दिखाता हूँ दोस्तों, इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इंग्लिश सिलेक्ट हो गया, बात का बंगाली सिलेक्ट हो गया। और आप बंगाली को चेंज करना चाहते हैं तो बंगाली में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी लिखा है आप इंग्लिश में बंगाली के बदले हिंदी भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं दोस्तों। नीचे देखिए तो मुझे दोस्तों बंगाली देना है तो मैं बंगाली में क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों एक दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं एक दिखा 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 देता तो दोस्तों मैं एक दिखा देता हूँ कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। আমি একটি খারাপ ছেলে। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या कैसे बोल जाए, इसमें क्लिक करेंगे और बोलेंगे तो वो अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कॉपी करके ला सकते हैं। आप कोई कॉपी करके लाते हैं तो पहले आपको बोलना पड़ेगा, फिर यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ेगा और इसको काटना पड़ेगा, फिर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप पेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो अब दोस्तों देख सकते हैं मैं फिर से और एक कमेंट बोलता हूँ। हाँ
तो दोस्तों मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा। तो दोस्तों आपको नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उसके बाद दिखाता हूँ कैमरा, जो दोस्तों कैमरा है वो कैमरा कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपका कोई नोट है, बड़ा नोट है, नोट किया हुआ है, तो वो आप कॉपी कर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो वो कॉपी होके वो अपने आप ही ले लेगा और अपने आप वो ट्रांसलेट हो जाएगा। और आपके पास कोई गैलरी में है तो साइड में गैलरी का आइकन हो उस पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी एक इमेज ले सकते हैं यहाँ से। मैं तो गैलरी में जाके देखता हूँ मेरा कोई इमेज है किया नहीं है। तो दोस्तों मेरा इमेज मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो दोस्तों मैं एक दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ से एक लेंगे और दोस्तों को देखिए ये सिलेक्ट कर ऐसे सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये नेटवर्क कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों मेरे घर पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दोस्तों इसने सेलेक्ट कर लिया, तो दोस्तों ऊपर जो लिखा हुआ है तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांसलेटर हो जाएगा। तो मैंने इंग्लिश टू बेंगुली दिया था, तो मैंने बेंगुली को ट्रांसलेट किया था इसलिए मेरा ये आया। तो आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने देख सकते हैं कितने मैंने ट्रांसलेट किए हैं, देख सकते हैं कितने ट्रांसलेट मैंने किए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने ट्रांसलेट मैंने किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको कोई और दूसरा हेल्प चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।